हेलो स्टूडेंट्स, नीट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है एंड उस आंसर की को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस में आपको यह महसूस हो रहा होगा कि हमारा आंसर ठीक है, एनटीए ने गलत आंसर दिया है और उसको आप चैलेंज कर सकते हो। ये विंडो आपकी 31st of May रात के 12 बजे तक ओपन है, तो आज लास्ट डे है जब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रही है इन ऑर्डर टू गेट बोनस मार्क, तो हम समझ लेते हैं कि किस किस बच्चे को बोनस मार्क्स मिल सकता है और क्या उसके लिए चैलेंज करना क्वेश्चन को अनिवार्य है या नहीं है। नंबर 3, किस किस क्वेश्चन को बायोलॉजी में आपको चैलेंज करना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेक्शन की कि बोनस मार्क्स किस किस बच्चे को मिलता है, बोनस मार्क्स मिलने का क्राइटेरिया क्या होता है, तो देखिए बोनस मार्क्स मिलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बायोलॉजी सेक्शन में या हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन में 2 सेक्शंस आते हैं। वी हैव सेक्शन ए, वी हैव सेक्शन बी। सेक्शन ए के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, सेक्शन बी के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर मैं बात करूं बच्चों सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में मेरे 35 क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में मेरे पास 15 क्वेश्चंस है जिसमें से मुझे 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहां पे हमारे पास में चॉइस होती है 5 क्वेश्चन की, यहां पे कोई चॉइस नहीं है। तो अगर आपका क्वेश्चन सेक्शन ए से है एंड फर्स्ट केस मान लीजिए नीट के पेपर में कोई क्वेश्चन ही गलत सेट हो गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट है, गलत है, तो उस केस में एनटीए सभी बच्चों को बोनस मार्क्स दे देता है। तो फर्स्ट केस है कि क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग है, जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि क्वेश्चन जो है उसमें कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट यूज हो गई है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो सकती है। ऑफ कोर्स कोई एग्जामिनर तो गलत क्वेश्चन को नहीं सेट करने वाला है, तो इस केस में सभी बच्चों को आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है कि जब आपके आंसर में आपको लगता है कि ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ आंसर है, नई एनसीईआरटी में कुछ आंसर है, समटाइम्स आपके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, कुछ रेफरेंस किताबें होती है जिसमें कुछ और लिखा हुआ है। देखिए प्रॉब्लम बायोलॉजी में ये होती है, प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसके साथ में जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही क्रिस्प किताब है और उस क्रिस्प किताब का जो मीनिंग है वो बहुत ही डिफरेंट निकल सकता है। तो इंटरप्रिटेशन हर एक ऑथर की डिफरेंट होती है, उस इंटरप्रिटेशन की जैसे क्वेश्चन में 2-3 आंसर हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट से हमें ये लग रहा है कि अगर उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट कर दिया जाए तो 1 से ज्यादा आंसर निकल के आते हैं, तो मान लीजिए उस क्वेश्चन के 2 आंसर ठीक हो जाते हैं, तो जिस भी बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उस 2 में से कोई भी 1 आंसर को किया है उसी बच्चे को बोनस मार्क्स मिलते हैं। जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है उस बच्चे को बोनस मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो सेकंड कंडीशन है कि अगर आपने 2 आंसर है, 2 में से कोई 1 आंसर अटेम्प्ट किया है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। थर्ड केस आता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही ऐसा सेट हो गया कि 4 में से 4 ही ऑप्शन ठीक है, तो अगेन 4 में से जो भी ऑप्शन आपने करेक्ट किया है लेकिन बशर्ते आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो बोनस मार्क्स मिलेगा, नहीं किया है तो बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दूसरा है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास 15 क्वेश्चन है, हमारे पास 5 क्वेश्चन की चॉइस होती है, तो मुझे 10 क्वेश्चन ही यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। इस केस में मान लीजिए कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो चॉइस है ना बेटा, अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, उस केस में आपको कोई भी नो बोनस, कुछ भी बोनस मार्क्स वहां पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब बोनस मार्क्स मिलने के पीछे की गणित आपको समझाती हूं। एनटीए हर साल प्रोविजनल आंसर की को अपलोड करता है, आप सब बच्चों से गुजारिश करी जाती है कि आप चैलेंज करो, आपको लगता है कि नहीं मेरे हिसाब से इस जो आपने आंसर की में आंसर दिया है वो नहीं है, कुछ और डिफरेंट आंसर होना चाहिए, तो आप सब बच्चे चैलेंज अपने रेज करना शुरू करते हो। कुछ बच्चों को डाउट होता है तो कि क्या मैं चैलेंज करूंगा तो ही मेरा आंसर ठीक माना जाएगा। देखिए पूरा प्रोसीजर हम समझते हैं। जब आप बच्चे चैलेंज कर देते हो उसके बाद में एनटीए की एक्सपर्ट पैनल की टीम बैठती है, वो इस बात का पुष्टिकरण करती है कि जो आपने आंसर दिया है या जो एनटीए ने आंसर दिया है क्या आपका आंसर भी ठीक माना जा सकता है। अगर उस पैनल का आंसर यस आता है और कुछ चेंजेस उसमें देखे जाते हैं तो जितने भी बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो सारे बच्चों को बोनस मार्क्स मिलता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने चैलेंज किया है तो ही आपको उसका बोनस मार्क्स मिलेगा, जो भी डिसीजन होगा वो सभी बच्चों के लिए होता है।
ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि क्या ज्यादा नंबर ऑफ चैलेंज अगर होंगे तो एनटी उस पे ज्यादा गौर फरमाएगा उस पर्टिकुलर चीज पे। तो ये कहानी में भी मैं आपको समझा देती हूँ, जितनी ज्यादा अर्जी उनके पास में पहुंचेंगी उतना ही पैनल के अंदर डिस्कशन तो जरूर होगा, लेकिन मैं अगर अपने पास के एक्सपीरियंस से बताऊं कभी भी प्रोविजनल आंसर की एंड फाइनल आंसर की में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है। रेयरली ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन आपका चेंज हुआ हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम 98% टाइम आई वुड से यही आपकी आंसर की फाइनल मानी जाती है, और इसी आंसर की के हिसाब से आपका पेपर जो हुआ है उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, अब थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो तीन क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम फील हो रही थी, तीन क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम फील हो रही थी बच्चों। पहला सवाल तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला, देखिए इसमें दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, एंड स्टेटमेंट टू है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। अब मैं ये अगर लाइन आपको दिखाऊं, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, जी हाँ एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। एंड एंड बच्चों इस लाइन में आप देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का स्निप है, एंड एग्जैक्टली आपको लाइन लिखी हुई है, of the two the inner chloroplast membrane is relatively less permeable, लेकिन हाँ रेफरेंस किताब में अगर हम समझे तो ये of the two को हम मान के चलते हैं कि out of outer and inner membrane बात कर रहा है, लेकिन NTA ने इस क्वेश्चन के आंसर में इन दोनों स्टेटमेंट को बिल्कुल सही माना है, क्योंकि इसको डायरेक्ट NCERT की लाइन माना गया है। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पास्ट में भी आए हैं तो NCERT को ही माना गया है, NCERT की वर्ड्स जो मेंशन करें, एनसीईआरटी ने जो लाइन मेंशन करी है वही फाइनल ट्रूथ मानी जाती है भाई एनटीए। इसीलिए एनटीए आपको क्लियर कट गाइडलाइंस भी देता है कि बच्चों आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी सेंट्रिक आपका पेपर आएगा। तो ये सिंस एनसीईआरटी में दी है ये लाइन एज इट इज, इसीलिए ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी यहां पे करेक्ट मानी जाती है, एंड आंसर आपका ऑप्शन बी है जो एनटीए ने दिया है। मुझे लगता है अपने एक्सपर्टीज से कि इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, इसमें जो एनटीए ने फाइनल आंसर दे दिया है वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज माई बिलीफ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, विच इज दिस क्वेश्चन, ये वाला सवाल। ये वाले सवाल के अंदर एनटीए ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो थोड़ा सा फ्रेमिंग ही डिफरेंट हुई है। देखिए कैसे, इन एन इकोसिस्टम इफ द एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, आपको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की एनपीपी मेंशन करी है विच इज 100x, व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल आपसे पूछा है। अब आंसर्स में बहुत सारे लोगों ने इसको आंसर किया, बहुत लोगों ने इसको आंसर किया, एनटीए ने ये वाला आंसर ठीक माना है, और एनटीए ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि भाई जो एनपीपी है आपकी, जो आपको मेंशन करा हुआ है वो तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ही होती है हमेशा, तो सेकेंड का निकालना है, 10% लो से उसने इसको 10 में कन्वर्ट करके निकाल दिया आंसर। लेकिन हाँ हम अगर देखें फर्स्ट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को मिला करके तो इसमें 10% लो को लगाते हुए ये आंसर भी आपका ठीक हो सकता है, और ये क्लियर कट आपको यहां पे एनसीईआरटी के स्निप में मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जेपीपी क्या है, एनपीपी क्या है। ठीक है बच्चों, जेपीपी माइनस आर आपका एनपीपी होता है, और ये एनपीपी आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे वहां पे मेंशन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों ने फोर्थ की जगह थर्ड ऑप्शन आंसर किया है तो आपको बोनस मिल सकता है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए, इसको आप जरूर से चैलेंज करें। ठीक है, चैलेंज करना 200 रुपीज लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हाई चांसेस है कि फोर्थ के साथ में थर्ड आंसर को भी ठीक कर दिया जाए। हालांकि अगेन मैं आपको ये बात बोल रही हूं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि एनटीए ये एडमिट करता है कि हाँ जी उनसे गलती हुई है, एंड ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये दो ऑप्शन होने चाहिए, बट स्टिल काम करना हमारा फर्ज है, काम हम करते रहेंगे, अपनी बात वहां तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, वो हम जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फोर्थ एंड थर्ड दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जरूर चैलेंज करना, इसमें बोनस मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। तीसरा है आपका ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन, फिजिक्स वाले क्वेश्चन को भी आप जरूर जरूर चैलेंज करें। ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का जो फंडा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको इस क्वेश्चन में बोनस मिलने के पूरे पूरे चांसेस है, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी
हिसाब से भी आपको आंसर मिल रहा है, न्यू के हिसाब से भी आपको आंसर मिल रहा है। तो आपका ये एक क्वेश्चन फिजिक्स का, एक क्वेश्चन बॉटनी का, ये दो क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन चैलेंज इन दोनों क्वेश्चन को आपको जरूर करना है। वक्त बहुत कम है हमारे पास में, सारे बच्चे चैलेंज करेंगे। चैलेंज कैसे करना है वो डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, आप उसको देख लीजिए। पर क्वेश्चन 200 रुपीज आपको उसमें पे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको सेशन हमारे अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स तक इसको पहुंचा देना है। मैक्सिमम बच्चों से चैलेंज कराना है ताकि एनटीए पैनल बिठाए एक्सपर्ट्स का एंड वहां पर डिस्कशन हो कि हाँ जी आंसर बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल इसका आंसर डिफरेंट है, चेंज होना चाहिए। अच्छा वन मोर क्वेश्चन, जो आपका बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन है उसमें चैलेंज मत करो, कोई फायदा नहीं है। हालांकि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस अगर मैं बात करूं तो देखिए बायोडाइवर्सिटी में आपका एक्सिटू भी आ जाता है, इनसिटू भी आ जाता है, ठीक है। तो जब भी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन को चूज किया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन के अंदर लग रहा है कि आंसर वो ठीक है, तो एनटीए ने ठीक ही आंसर दिया है, उसको चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उसमें बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ में आप बच्चों से मैं अलविदा लेती हूं। बच्चों हमारे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेप अप कोर्स चल रहा है, बच्चों स्टेप अप नीट 2025, इसकी क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है। 12 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है विद बॉटनी, अप टू 6 हमारी क्लासेस चलती हैं, तो ये सेशंस को जरूर जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्थी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बच्चों।